मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। जी हां, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। अब माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार कई मंत्रालयों की सर्जरी कर सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी को दिया सरकार का रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब। मंत्रालय बदलने की तैयारी में सीएम कमलनाथ। जल्द हो सकता है कमलनाथ कैबिनेट में बदलाव। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को मध्य प्रदेश की अपनी सरकार के एक साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड बताया। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से वचन पत्र के माध्यम से किए गए वचनों की पूर्ति के बारे में सोनिया को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को अब तक हुई कर्ज माफी के बारे में बताया और कहा कि सरकार के पास अगले चरण की कर्ज माफी की तैयारी भी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर भी चर्चा हुई। पीसीसी अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति और सरकार द्वारा निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों पर भी बातचीत होने के संकेत है, लेकिन चर्चा मुख्य रूप से कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर रही। कमलनाथ ने सभी मंत्रियों का एक साल का रिपोर्ट कार्ड का ब्यौरा सोनिया गांधी को दिया। बताया जाता है कि इसमें कई मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बेहद खराब है, जिसके चलते विभागों को बदलने की तैयारी कर ली गई है। इन विभागों में कई सारे बड़े विभाग शामिल हैं। सूत्रों की माने तो जनसंपर्क विभाग, गृह विभाग जैसे बड़े विभागों को लेकर भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इनमें फेरबदल किया जाए। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सिर्फ सोनिया गांधी से चर्चा नहीं की, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विश्वास में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।